हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे जो बाथरूम का एरिया होता है इन स्क्वायर फीट में, वो कैसे निकालते हैं। क्योंकि हम जब भी हम टाइल्स लगाते हैं किसी भी बाथरूम का, तो हमें सबसे पहले हमें उस बाथरूम का जो एरिया होता है वो पता होना चाहिए, तभी हम इसके लिए टाइल्स खरीद सकते हैं। सो गाइस, हमें एक्चुअल एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे भी जो ऐसे ही टाइल्स खरीदते हैं गैस में। सो गाइस, वो फिर कम पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा होता है। जब कम होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। फिर हम जब भी हम फिर ऐसे ही टाइल्स लाने जाते हैं तो वो टाइल्स अवेलेबल नहीं होते हैं वैसे टाइल्स, क्योंकि टाइल्स जब भी लाने होते हैं तो बराबर लाने होते हैं, क्योंकि बाद में फिर वो टाइल्स मिल भी नहीं सकते हैं, मिल भी सकते हैं, बहुत से केस में मिल नहीं सकते हैं। सो गाइस, हमें एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करना होगा उस बाथरूम का, जिस बाथरूम के हमें टाइल्स लगाने होंगे। तो आज हम यही सीखेंगे हम कैसे वो एरिया निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे बाथरूम का जो होता है, दो तरह के टाइल्स लगते हैं। एक लगता है फ्लोर टाइल्स, दूसरा होता है वॉल टाइल्स। फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स, हम पहले हम वॉल का निकालेंगे वॉल टाइल्स, फिर हम फ्लोर का निकालेंगे फ्लोर टाइल्स। सो यहाँ पे जहाँ पे जो बाथरूम का साइज़ मैंने लिया है वो लिया है 6 फीट इसकी ब्रेथ, और जो मैंने इसका साइज़ लिया है लेंथ की वो लिया है 8 फीट, 8 × 6 फीट। और जो बाथरूम की हाइट मैंने लिए है वो लिए है मैंने 9 फीट। और बाथरूम का जो डोर होता है वो भी मैंने दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस होता है, हमें इस हिस्से में टाइल्स नहीं लगाते हैं। सो गाइस, ये माइनस होता है। यहाँ पे मैंने डोर का साइज़ लिया है 7 फीट इसकी हाइट, और जो इसकी ब्रेथ है वो मैंने लिया है 2.5 फीट × 7 फीट। सो मैंने पीछे एक वेंटिलेशन भी दिया है इस बाथरूम का, वो है 2 फीट × 4 फीट। सो गाइस, अब हम इसका जो वॉल का एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इस वॉल का निकालेंगे, इस वॉल का। सो यहाँ पे इसकी जो ब्रेथ है वो है 6 फीट, और जो इसकी हाइट है वो है 9 फीट। सो ये एक स्क्वायर, सॉरी, ये एक रेक्टेंगुलर बन गया हमारे पास। तो रेक्टेंगुलर का एरिया जो होता है वो कितना होता है, L × B। लेंथ है हमारे पास 9 फीट और ब्रेथ है हमारे पास 6 फीट। सो हम यहाँ पे 9 × 6 लिखेंगे इसका। और जो इसका अपोजिट वॉल है, इसका जो अपोजिट वॉल है ये वाला, ये और ये सेम होगा, क्योंकि ये भी इसी का साइज़ है। इस यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। सो ये सेम होगा, तो हम लिखेंगे 9 + 9 × 6, ये आया हमारे दो वालों का। सो अब हम निकालेंगे इन दो वालों का, फ्रंट का और बैक वाल का। अब हम यहाँ पे जो हमारा इस यहाँ पे साइज़ है वो है 8 फीट, 8 फीट है ये। सो जो इसकी हाइट है वो है 9 फीट। सो ये आएगा 9 × 8 प्लस आएगा ये वाला, यहाँ पे प्लस होगा ये वाला, बैक वाला, बैक भी सेम ही है, वो भी आएगा 9 × 8। सो इसके बाद हमें माइनस करना है, माइनस क्या क्या होगा वो माइनस करना है। माइनस होगा डोर का हिस्सा और वेंटिलेशन का हिस्सा। जो मैंने डोर का साइज़ लिया है वो माइनस होगा, क्योंकि इसमें हम टाइल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो यहाँ पे डोर का मैंने माइनस, ये माइनस करना है 7 × 2.5 माइनस, और क्या माइनस करना होगा, ये वेंटिलेशन का एरिया, वेंटिलेशन का एरिया यहाँ पे 4 × 2। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 × 54 प्लस 9 × 54 प्लस यहाँ पे 9 × 72 प्लस 9 × 72, या हमारे चार वालों का। अब माइनस करना होगा ये डोर का है हमारे 7 × 2.5 वो 17.5 आएगा, और माइनस करना होगा ये वेंटिलेशन का हिस्सा, वेंटिलेशन का एरिया जो है 4 × 2 8। सो अब हम इसको कैलकुलेट टोटल एरिया निकालेंगे वॉल्स का, वो कितना आएगा, जहाँ पे
54 प्लस 54 हुआ 108 प्लस 72 प्लस 72 कितना होगा 144 माइनस होगा ये दो 17.5 माइनस 8 माइनस माइनस हुआ माइनस यहाँ पे अब हम ये कितना आएगा यह आएगा 17.5 प्लस 8 आएगा 15 माइनस करना है यहाँ पे 25.5 ये माइनस होगा सो अब हम इसको टोटल में निकालेंगे वो आएगा वो कितना आएगा 108 माइनस 144 108 प्लस 144 माइनस 25.5 सो हमारा जो आया वो आया 226.5 स्क्वायर फीट इतना जो एरिया है हमारा वो हमारा है वॉल का एरिया वॉल इतने टाइल्स हमें वॉल्स में लगेंगे सो अब हम फ्लोर का निकालेंगे फ्लोर यहाँ पे हमारा ये है फ्लोर का साइज़ जो है हमारे पास वो है 6x8 यहाँ पे फ्लोर का साइज़ है 6x8 सो हम यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर वो कितना आएगा 6x8 6 एरिया होगा 48 स्क्वायर फीट हमें फ्लोर में लगेंगे सो फ्लोर में हमें 48 स्क्वायर फीट लगेंगे और वॉल में हमें लगेंगे 226 स्क्वायर फीट यहाँ पे इस बाथरूम में सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और हमारे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय